टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो। Welcome to the Mazedar Show with Adi and Faizan Season 2. उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और उसमें चार चांद लगाने के लिए आपने हमारा शो ट्यून इन कर लिया होगा। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से, द कराची बॉयज। क्राउड बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह से। उसके बाद आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे जबरदस्त सिंगर द काशी भाई। काशी भाई, आप मोहल्ले से लोग नहीं लाए अपने साथ? कैसे हैं फैजान भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? मोहल्ले से दोस्त मोहल्ले आ गए। क्या बात है, मतलब जगह कम पड़ रही है, इतने सारे लोग आ गए, बहुत ज्यादा आ गए है ना। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की, बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि आदिल हमशेर। ऐसी मैं जब रुका तो मैंने कहा ऐसी रहता हूं। चले, कोई बात। ठीक ठाक है, जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि काम करने के लिए किसी से इंस्पायर होना कितना जरूरी होता है? जरूरी होता भी है और जरूरी नहीं भी होता है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको पुश चाहिए होता है, हाँ, तो फिर आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है। आपको नहीं लगता हर थोड़े अरसे बाद कोई चीज आपको चाहिए होती है जो आपको मोटिवेटेड रखे? वही मैं कह रहा हूँ, दो तरह की पर्सनैलिटीज होती है। एक पर्सनैलिटी होती है जो कैमरे के सामने से गुजर जाती है, जैसे कि अभी आपने मॉनिटर में देखा होगा। और दूसरी अच्छा ना, अल्लाह माफ करे हम सबको, लेकिन दो तरह की पर्सनैलिटीज होती है मुझे लगता है। हाँ। एक होती है जिसको पुश चाहिए होता है, हाँ, जिसको हर थोड़े अरसे बाद कोई वीडियो या कोई ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसा कोई काम देखना पड़ता है अपने आपको पुश करने के लिए। ओके। और जिस तरह मैं हूँ, मुझे नहीं ऐसा फील होता। मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी कोई भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और लोग यहाँ बहुत बुरा मानते हैं इस बात को, किसी को अगर कह दो ना कि भाई क्या मतलब ये वो, मुझे मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है यार। मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरे दिमाग काम करता है, मैं वैसे करता हूँ। आई पुश माई सेल्फ ओनली, कि वो नहीं होता कि चल यार आदि ये करते हैं, मैं बाइक भी चलाता हूँ तो मैं ये करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ तो मैं ये करता हूँ। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। कुछ लोगों की इंस्पिरेशन होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि वक्तन बवक्तन आपको अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन चेंज करता रहना चाहिए, ताकि आपको अंदर वो पैशन भी रहे, आपके अंदर वो जज्बा जुनून भी रहे कि आप वो काम करते रहे। बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है यार। जिंदगी में और इंसान के लिए कोई भी चीज फिक्स नहीं है। ठीक है, जो आपको सही लगता है वो सही है और जो मुझे सही लगता है वो सही है। आपकी बात मैं गलत नहीं कह सकता, आप मेरी बात गलत नहीं कह सकते। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। बड़ी आसान जिंदगी हो सकती है अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, भाई जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि एक चीज सही है तो दूसरी चीज गलत ही हो। सही और सही सारे एक जैसे सोचते रहते होते तो इतने सारे इंसान नहीं होते। क्या बात है। ठीक है जी, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत जबरदस्त मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, टीवी पे काम करती रही हैं, फिर उन्होंने एक फिल्म भी की है। अच्छा, बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको थोड़ा सा हम तंग करने वाले हैं, तो आइए आपको बुलाते हैं। बहुत सारी मसनूई तालियां जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर अजीका डेंजर। आज पहली बार ऐसा मेहमान है जो अपने नाम से भी मेहमान लग रहा है। हाँ, वाकई मतलब इस बात, वरना सलमान सिकंदर ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे शो के अंदर। नहीं, क्योंकि हम लोगों को बुलाते हैं, लोग तैयार होकर नहीं आते, पता नहीं क्यों। क्या मतलब ऐसे इजी लेते हैं हम लोग, कहते हैं इनके शो पे क्या तैयार होकर जा रहा है। बिल्कुल, वेरी थैंकफुल कि आप बहुत अच्छा तैयार होकर आई हैं। सो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हां, थैंक यू, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मैं इसे सच्ची वाला कॉम्प्लीमेंट मान लूंगी। नहीं, ये सच्ची वाला ही है, वरना आप लोगों की बात को ज्यादा सीरियस। नहीं नहीं, सच्ची वाला है भाई, सच्ची वाला। वाकई इस बात के बाद आपने कोई बात सीरियस? हाँ, ये वाला वाकई बहुत अच्छा है। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। मैंने साथ में दे दिया सवाल पे सवाल। आप कैसे हैं? आप कैसे भाई? जैसे आप में वैसी होंगी ना। अच्छा, सवाल ये है कि आपका नाम इतना खूबसूरत है, किसने रखा ये? मेरे दादा ने। दादा ने रखा, क्यों रखा? मतलब क्या है अजीका का? मतलब है दीवारों की ताकत। दीवारों की ताकत,
स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्स पहाड़ का नाम है। आप पे तो कोई भी फैन लगा देगा क्या? क्या पागल हो? मैंने क्या मिस किया? मैं बोलूंगा तुम अभी कोनी मारी थी ना मैंने। आगे निकले ना। अच्छा हम लोग शुरू में बात कर रहे थे इंस्पिरेशन की, काम के लिए आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन चाहिए होती है, किसने इंस्पायर किया काम करने के लिए, जरा बताइए। वैसे मैं आदि की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। ओके, सोच समझ के कीजिएगा। नहीं नहीं मैं चलो इससे तो कर सकती हूँ ना, एक आधी बात से तो बंदा एग्री करें 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 करें। नहीं मैंने कभी आई हैव नेवर बीन इंस्पायर्ड। ओके, और एक्टिंग तो एक्सीडेंटली मैं एक्टिंग में आई थी। क्या हुआ था? गाड़ी लगी थी आगे है ना, गाड़ी लगी, मैं गिरी, खाली एक ही एक्सीडेंट नहीं होता, बन गई मैं फिर। खाली एक ही एक्सीडेंट नहीं होता। कैसे बनी जरा क्या होता है बताए ना, कैसे शुरू हुआ ये मामला? ये मामला शुरू हुए थे जब मैं एयरलाइन में थी। तो एयरलाइन में थी आप? एयरलाइन में क्या कर रही थी? ट्रैवल कर रही थी? मैं कैबिन क्रू थी। पानी मंगाते तो आप आती थी? पानी मंगाते थे तो आप नहीं आती थी? आप आती थी तो पानी आता था। आप पीआईए में ही थी? हम तो पीआईए में घंटे बजा तो खाला आ जाती है। हम जैसों को छुपा के रखा होता है ना। अच्छा, तो लोकल फ्लाइट में थी या इंटरनेशनल? सारा क्रू जो होते हैं वो 6 महीने बाद एलिजिबल होते हैं फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद अगर आप यूनियन के फेवरेट हैं तो आप जाएंगे इंटरनेशनल पे, वरना बैठते हैं डोमेस्टिक। अच्छा, वहाँ भी फेवरेटिज्म वाला मसला है? यूनियन सिस्टम है ना। ओके, आप एक यूनियन के लिए वोट करें और दूसरी जीत जाए, जो मेरे साथ हुआ था, तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाते। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है, सोच समझ के वोट देना पड़ता है, सियासतदान बनना पड़ता है आपको। हाँ, और उस उम्र में तो सियासत आती भी नहीं थी। ओए होए, तो अब आती है आपको? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। एक्टिंग में कहाँ? हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट है। कोई डॉक्टर अली काजमी हमारे डॉक्टर साहब होते हैं। अच्छा जी, अभी भी वो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं। तो हाँ, ऐसे मुझे उन्होंने मेरा फर्स्ट ड्रामा दिया, जिसके बाद मैं सिक लीव लेने जाती थी। सर मुझे सिक लीव दे दें, क्यों, तुम तो अच्छी भली हो। वो मुझे मॉडलिंग करनी है ना, वो स्टिल शूट्स करने हैं, इसीलिए। अच्छा, फिर के एन ओ सी की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये भी बोलना था कि नहीं बोलना। नहीं नहीं, बोले बोले, हमारे यहाँ सब चलता है। एनीवेज, तो फिर इस तरह से मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला इन जापान। जापान में मिल गया? हाँ, वो भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, एक इंटरव्यू में पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, वो वाला देख लेंगे, वहीं से वो क्लिप उठा के जापान वाली कहानी सुनने के लिए इनका पुराना वाला इंटरव्यू देखें। अब जापान से आगे चलते हैं जी। तो खैर, मैं बहुत डीमोटिवेट हुई ना, बहुत बुरी एक्टिंग करके आई आती, जो नहीं थी करनी मुझे। कौन थे डायरेक्टर अगर आपको याद हो? मोहसिन तलत। मोहसिन तलत, सारे रोज 3 बजे फोन कर लेते हैं जब हम खाना खाने बैठते हैं। नहीं नहीं, मोहसिन भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली आपके साथ मजीद एक्टर्स वगैरह होते हैं, हर किसी में इतना पेशेंस नहीं होता, बट महवेश हयात वाज वेरी गुड टू मी एंड सो वाज फाइक खान। बड़े सपोर्टिव लोग थे, ताहिर काजमी। इसके अलावा लेकिन मैंने तहैया कर लिया कि मुझे एक्टिंग नहीं आती और मैं नहीं कर सकती। 3 साल तक मैंने कोई एक्टिंग नहीं की। उसके बाद मैं सिट्रस टैलेंट गई, वहाँ से मेरी एड कैंपेन्स चली और फिर मुझे जियो से कॉल आई एंड देन आई डिड माय पहला ड्रामा। तो ये है जर्नी मेरी, जो मैंने एक ही सांस में बता दी, क्योंकि तीन साल जो आपने काम नहीं किया, इन 3 सालों में आपने ये नहीं सोचा कि यार मैंने वो अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी? छोड़ी तो नहीं, वो चल रही थी साथ साथ। बड़ी चलाक, माशाल्लाह, बड़ी चलाक लगती है। अच्छा, तो 3 साल बाद जियो से कॉल आई, इसलिए आपने कहा अब मैं वो छोड़ दूंगी। उस वक्त तक छोड़ चुकी थी, छोड़ चुकी बाय दैट टाइम। हाँ, छोड़, लेकिन वो इस वजह से नहीं छोड़ी, इस वजह से नहीं। तो जब दूसरी बार एक्टिंग शुरू की तब आपको लगता था आपको एक्टिंग आती है? नहीं, बट आई थिंक हम लोग पेट से सीख के पैदा नहीं होते, टाइम और प्रैक्टिस के साथ आता है। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो ये जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कहते हैं हमें ना सिखाओ, इसका क्या मतलब होता है? तो फिर वो सीख के आए होंगे। मैं तो हर प्रोजेक्ट में सीख रही होती हूँ। आपको कोई मिला ऐसा जो बिल्कुल सीख के आया वो सब कुछ? बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। अच्छा, आपको लगता है वो पेट से सीख के आते हैं? अम्मी के पेट में टीवी? अब उन्हें अगर ऐसा लगता तो फिर सीख के आते। उन्हें तो ऐसा लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है उनके साथ काम करते हुए कि सीखे हुए या नहीं सीखे हुए? LOL LOL, very nice. Because I think there's always room for improvement. और आपका सीखना कभी खत्म नहीं होता। The minute you think कि यार मुझे सब कुछ आ गया है, आपकी ग्रोथ उधर ही गई, रुक जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है। और ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, एक्टिंग कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बस फॉर्मूला लगा दो काम चलता रहेगा। एग्जैक्टली, हर दफा कैरेक्टर नया होता है, टीम नहीं होती है, स्क्रिप्ट नहीं होती है, और हर डायरेक्टर का काम
देखने का तरीका अलग होता है और आपको अपने आप को उस तरीके में मोल्ड करना पड़ता है. जरूरी नहीं है कि आपने जो पिछले प्रोजेक्ट में एक्टिंग की है और कैरेक्टर की है वो एक्सेप्टेबल हो आपके न्यू डायरेक्टर के साथ. नहीं, वो अपना फॉर्मूला देंगे एंड यू हैव टू फॉलो इट क्योंकि ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप एंड यू आर लर्निंग. वेरी नाइस. मतलब आदमी इतना इतना मोल्डेबल भी हो सकता है कि आप जैसे बोले खूबसूरत होने के साथ साथ मोल्डेबल भी हो. वेरी नाइस. ये तारीफ हो रही है क्यों यकीन नहीं आ रहा है आपको? क्या पता नहीं आदि के किसी बात पे यकीन करना मुश्किल है. टीवी वाले ने आप गालियां नहीं दे सकते ना इस पे. तो हम तारीफ हम यही करते हैं. हम यही करते हैं. तो मुझे ये बताइए आप एयर होस्टेस और एक्ट्रेस कौन सी लाइफ बेहतर थी? दोनों का अपना अपना चार्म था. उसमें okay. बहुत दुनिया घूमी, बहुत ट्रैवलिंग की, लेकिन ट्रैवलिंग खैर अभी भी होती है, बट कंपैरिजन नहीं है दोनों जॉब्स का. दोनों अलग अलग. आप रिग्रेट नहीं करती हैं वो छोड़ा आपने, आपके दिल सही हो गया यहां? नहीं नहीं नहीं, यहां आके कभी रिग्रेट किया आपने? यार ये मैंने क्या काम शुरू कर दिया, नहीं करना चाहिए. जब आपको बोला कि अभी तक नहीं किया है सर. हां जब चेक नहीं मिल रहे होते टाइम पे तो थोड़ा बहुत होता. नहीं चेक तो यार बस साइन होने क्या भाई, ये हुआ तो साइन ही तो नहीं होता 6-6 महीने तक. वो वाली सलवार कमीज जो मिल नहीं रही. अच्छा ठीक है, ये भी आपने सही बोला कि वो वाली सलवार कमीज है जो नहीं मिल रही. मुझे बताएं कि आपने उसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे काम किए, एक फिल्म भी किया आपने, ठीक है ना, और सारे अभी जो आपका रिसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है डंक वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है. तो अब जब अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो कैसा लगता है कि यार मतलब मैंने कहाँ से शाम काम शुरू किया था कि यार स्क्रिप्ट आता नहीं आता काम करना, और अब माशाल्लाह अच्छे डायरेक्टर्स अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज आपको बुलाते हैं. पता है आपको अपना स्ट्रगलिंग पीरियड याद रहता है आपको? ये नहीं, यानी मैं ये नहीं सोचती कि यार अभी अच्छा काम ही हो रहा है. मुझे सारा वो हार्ड वर्क वो स्ट्रगल याद रहते हैं और मैं कहती हूँ कि यार वहाँ से यहाँ तक की जर्नी कैसी रही. और लोग अक्सर आपकी जर्नी नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आप इस वक्त कहाँ क्या कर रहे हैं. और आई थिंक जर्नी ज़्यादा मैटर करती है. मैटर करती है बिल्कुल. एक तो ये मुझे लगता है जो लोग देखने वाले होते हैं ना उनको लगता है यहाँ किसी की भी कोई जर्नी नहीं है. हाँ बस ये पर्ची है, ये घर से उठ के आया था, इसको यहाँ बिठा दिया, इसका ये है, तो सारे ताल्लुक. पर्ची मत बोला करो, मैं घबरा जाता हूँ. सब मुझे पर्ची पर्ची बोलते रहते हैं, मुझे अजीब सा लगता है. तो लोग ये कहते हैं, मैं आपको एक बात बता नहीं सकता लेकिन जब हम मॉर्निंग शो करते थे तो एक बंदे ने आके मुझे बताया कि आदि जो है ना वो खैर पर्ची है. आदि नहीं, ये तो पर्चा है पूरा. आदि पर्ची नहीं, वो उन्होंने कहा कि वो वैसल भाई के साथ घूमता है ना, तो इस वजह से उसको. तो फिर आप पर्ची हो गए. अब वो घूमता है मैं कैसे बताऊं? पर्ची क्या, हम समझ गए. वो जो आप लोगों का हार्ले वाला ग्रुप है. हाँ यार वेल डन यार, बड़ा अच्छा कवर किया आपने. वेल डन वेल डन. अच्छा मुझे बताएं कि अपना काम देखती हैं आप? नहीं नहीं देखती नहीं. अच्छा, कभी अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता या समझ में नहीं आता या ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्या सीन है? मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हूँ, मुझे हमेशा फ्लॉज दिख रहे होते हैं. व्हिच इज इन बैड, व्हिच इज इन बैड, लेकिन आपको इतना भी अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. तो ये है कि हाँ कुछ सीन्स वगैरह जो मेरे साथ शेयर किए जाते हैं, मेरे मुझे दिखाए जाते हैं कि ये देख लें अपना काम, वो मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज मैं पूरा पूरा प्रोजेक्ट नहीं फॉलो करती. तो कभी ऐसा हुआ है कि अपना काम देख के आपने सोचा हो कि मुझे क्यों कोई काम दे रहा है? जैसे मेरे साथ होता है, मैं जब भी अपना काम, जब भी अपना काम देता है कहते हैं यार मुझे कोई क्यों काम देता है. मैंने तो डंग पे भी यही बोला था बदर सर. सही है, मेरी तरह के हैं. मैंने बोला था, मैंने कहा ये मैंने पता नहीं कैसा काम. अच्छा जैसे आपने नाम लिया बदर भाई का, बदर भाई तो बड़े डिटेल से काम करते हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, आपको मौका देते हैं अपनी चीज बनाने का भी, खुद भी बहुत ज्यादा समझाते हैं हर सीन को लेके, लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता. कहीं कहीं डायरेक्टर्स कहते हैं कि नहीं जी आप कैरेक्टर बनाएं, आप मुझे बताएं क्या करना है, या फिर वो आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते. हाँ, वो आपके आपका सीन भी शूट हो रहा होगा ना, वो बैठे अपने मोबाइल पे लगे होंगे, आपका एडी आपको शूट कर रहा होगा. हाँ, और वो कहेंगे हो गया सीन, अच्छा जी ये वो, फिर उसमें एक्टर का भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाता है. अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता ऐसे प्रोजेक्ट में, और ऐसे प्रोजेक्ट मैंने किए हैं आई एम श्योर किए होंगे. और हाँ अभी भी लाइक ऐसा होता है विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली एक उम्मीद लेके जाते हैं कि यार एक नया सेट है, एक नया प्रोजेक्ट है, नया काम करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से सीखेंगे, जो कि मेनली आपका डायरेक्टर होता है. तो ये बड़ी थोड़ी अजीब सी बात है, और स्पेशली न्यू एक्टर्स के साथ तो बहुत होता है ये. वो फिर उस सेट पे दिहाड़ी लगाने वाला माहौल बन जाता है. लेकिन दिहाड़ी लगाने का शौक नहीं है ना, मसला ये है फिर. हाँ, वो बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है. बिल्कुल ठीक बात है. मुझे लगता है कि ये तो खैर मुझे अपना, हम अपनी फील्ड का ही बता सकते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे डायरेक्टर टैक्सी वाले हैं,
कि वो आते हैं अपना मीटर घुमाते हैं और हाँ। वो कहते हैं बस जल्दी से दिन खत्म हुआ और हम अपने पर डे के पैसे लेके जाएं। अच्छा आपने टीवी भी किया उसके बाद आपने एक फिल्म भी की जो कि बहुत लोगों को पसंद भी आई, तो मुझे बताइए कि क्या कैसा फील हुआ, क्योंकि फिल्म का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, टीवी का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अलग अलग मीडियम्स हैं, क्या कैसा था आपका प्रोसेस ये वाला? बहुत गूगल से सीख के गई थी कि गूगल से हाँ जी क्या जी ओ भैया गूगल से एक्टिंग सीख के गई है? यस गूगल से बहुत सीखा मैंने कि फिल्म में किस तरह से काम होता है और बेसिक्स। और जरा बताएं हमें क्या गूगल ने क्या सिखाया आपको फिल्म की एक्टिंग के हवाले से, क्या कह रहा है गूगल? गूगल ने उस वक्त मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरी फिल्म को भी काफ़ी टाइम हो गया। पहली बार मेरा जॉनरा जो था वो मेरा फेवरेट जॉनरा था हॉरर। हाँ आई लव हॉरर मूवीज बहुत ज़्यादा जी। गूगल से मैंने ये सीखा कि आप हर फ्रेम में किस तरह से एक्टिंग करते हैं, फ्रेम जब छोटा हो रहा होता है, फ्रेम जब बड़ा हो रहा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज फिल्म के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, यू आर नॉट जस्ट एक्टिंग इतना आप पूरी बॉडी के साथ एक्ट करेंगे विच इज़ वेरी नाइस। फिर उसके बाद स्टेडी कैम बहुत यूज हुआ उसमें, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। स्टेडी कैम पर मुझे काम करने का बहुत मज़ा आया। डंक में भी हम लोगों ने काफ़ी स्टेडी कैम के शॉट्स लिए यूनिवर्सिटी में, उसमें आप पूरी बॉडी के साथ एक्ट कर रहे होते, यू आर फ्री टू एक्ट, फ्री टू मूव। तो गूगल से मैंने बहुत कुछ सीखा, हाँ फ्रेमिंग्स के बारे में सीखा, लाइट के बारे में सीखा, कैमरास के बारे में सीखा, एंगल आपको खुद ही फिर यहाँ पढ़ी लिखी तो नहीं है, इतनी अच्छी बातें कर रही हैं। अच्छा शायद हो क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है अगर आप कह रही हैं कि आपने जाने से पहले रिसर्च की पढ़ा। Very nice. वरना यहाँ तो लोग स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आते सेट पे। नहीं नहीं मैं स्क्रिप्ट पढ़े बगैर प्रोजेक्ट नहीं करते। वेरी गुड, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं तो लोग कहते हैं जी आप क्या करेंगे स्क्रिप्ट पढ़ के, बस वही है आप आ जाएं। पता है क्या एक दो दफा लोगों ने ऐसा बोला जिस पे मैं बहुत ऑफेंड भी हुई कि क्या मतलब है आप स्क्रिप्ट के बगैर कोई अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो मैं पढ़े बगैर एक्ट कर लूं उसमें। सही है, सीखो कुछ, बड़े दिनों बाद कोई पढ़ा लिखा मिला है। अजीब सा लग रहा है, मैं तो चाह रहा हूँ शो बंद कर दे, है ना? क्यों? शो बिल्कुल बंद मत करो, वक्त हुआ जी ब्रेक का। ब्रेक नहीं, ब्रेक भी नहीं आ रहे हम। क्यों? वो मुझे एक चीज याद आ गई, हाँ पूछ लो। वो आप इस बात पे यकीन करना मुझे। नहीं नहीं आपसे ऐसी एक सवाल है, चलें वो हम सबसे पूछते हैं, वो मुझे ऐसा लगा कि आपसे पूछना। हाँ पूछो। यहाँ पे फिल्म बना रही है आप? क्यों नहीं नहीं फर्स्ट करें ना, आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं चाचा थोड़ी हूं। हाँ आप शौक तो बिल्कुल नहीं है प्रोडक्शन का, चलें आप ना करें प्रोडक्शन, चलें कर लिया। आप एक फिल्म में लीड हैं, आप एक फिल्म की लीड हैं, ठीक है? उसके साथ दो हीरोज हैं, एक पागल बच्चा है, एक विलन है और एक और लड़की भी है साइड कैरेक्टर में, कास्टिंग करें और एक नोजी पड़ोसी अंकल है, क्या कास्टिंग होगी आपकी? दो हीरो आपने एक मुझे ले लिया, दूसरा बताएं क्या एक और भी हीरो है? अच्छा आप फैजान और और किसको लें साथ में? बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, पिक थोड़ी करना है, कास्ट करना है। लेकिन जॉनरा क्या है फिल्म का? जॉनरा आपको क्या लगता है बेस्ट जॉनरा कौन सा होता है? हॉरर। हॉरर आपका? हॉरर सस्पेंस एंड थ्रिलर। सस्पेंस एंड थ्रिलर तो हॉरर तो वैसे इतना कोई बनाता ही नहीं, ठीक है सस्पेंस एंड थ्रिलर पे रुक जाते हैं। आगे बताएं आप फैजान और अजी का लीड पहन जी इनके साथ मैं हूँ, और कौन है तीसरा आदमी कौन है बताइए? और कौन हॉरर कर है? तीसरा बिलाल अब्बास को कर लेते हैं। बिलाल अब्बास बिलाल आप फ्री हैं? चलो उसको भी काम आ जाएगा। बिलाल कर, बिलाल अब्बास को कर लेते हैं। बिलाल अब्बास और कर लिया भाई बिलाल अब्बास। नोजी पड़ोसी तो यकीनन आप हैं। नोजी पड़ोसी हैं आप। अच्छा जी और कौन रह गया? एक साइड की हीरोइन, एक पागल बच्चा और एक विलन। अच्छा पागल बच्चा होगा, आई थिंक अनस बहुत अच्छा एक्टर है। अनस बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है अनस को लेते हैं। ठीक है अनस ले लिया, और बताइए दो और क्या रह गए? अरे एक और लड़की भी है साथ। विलेन और लड़की का कैरेक्टर क्या है? लड़की का कैरेक्टर है कि नहीं नहीं वो वाला कैरेक्टर नहीं जो ड्रामे में कैरेक्टर कर रही है। हां ये ड्रामा नहीं फिल्म वाला, फिल्म वाला कैरेक्टर। लड़की का कैरेक्टर वैम्प 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 नहीं भाई, भाई विलेन के साथ है ना वो लड़की? विलेन की छोटी बहन है। चले विलेन की छोटी बहन कर ले जिसकी शादी नहीं हो पा रही भाई, मतलब कोई तो वजह हो ना उसकी, उसकी एक टांग लकड़ी की है ऐसा कर ले। नहीं नहीं आप विलन, विलन और एक लड़की का बताए कौन होगा? विलन तो सलीम मराज। सलीम मराज, लो भाई फिल्म तो गई हमारे हाथ से। यार उनके अलावा फिल्म बनती है पाकिस्तान में? नहीं असल में वो कैमरा उनके पास है ना। यार मतलब था एक्टर अच्छे हैं वो। अच्छा मैं समझ गया कैमरा उनके पास है। अच्छा एक और लड़की कौन है बताएं?
लड़की की एज क्या है? लड़की की भाई आप कसौटी बात में खेल लेंगे। लड़की की एज है 16 से 50 के बीच में। कोई भी कास्ट, कोई भी कास्ट हो सकता है, कोई भी कास्ट हो सकता है। चले 20 से 30 कर ले, 20 से 30 छोटा। आप लोग जो ये करते हैं इसके बाद मैं अनफ्रेंड हो जाती हूँ फेसबुक। अनफ्रेंड हो जाएंगी, बेवकूफ होगा जो आपको अनफ्रेंड करेगा। आपको अनफ्रेंड करे वाकई में भाई, किसी को भी कास्ट कर सकते हैं। आप लड़की हमारी प्रोफाइल में तो हम शो ऑफ करते हैं लोग। मैं मेहरबानों को और वो क्योंकि डांस भी अच्छा करती है ना। यस यस नो जबरदस्त फिल्म मटेरियल और एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत भी है। और मैंने उनको इंस्टा इनबॉक्स भी किया। वो केरीज क्या अच्छा, ये मैं तीन असल में ये नोजी अंकल है ना, तो ये इसको आदत है, कैरेक्टर में चला गया लड़का। नहीं अब मैंने किया हुआ इसमें। अच्छा इस फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म का नाम ये कास्ट है देखिए जी, बिलाल अब्बास, अजीका डैनियल, सलीम मेराज, आदि अदील अमजद, मेहरबानो, मैं भी हूँ। बताइए जी फिल्म का नाम, फिल्म का नाम बताइए। फिल्म का नाम है सोचो, कोई पाकिस्तानी सा नाम होना चाहिए। क्या पाकिस्तानी सा नाम क्या हो सकता है? सलीम मेराज कराची रख दे नाम। कराची पद नाम? नहीं कराची रख दे नाम मैंने कहा। हाँ व्हाई नॉट, नहीं नहीं कराची नाम बहुत अच्छा नाम है। कराची पे बहुत फिल्में बन सकती हैं। कराची में ही बन रही हैं फिल्में, आप ये बताएं कराची के बारे में बहुत सारी फिल्में बन सकती हैं और वो यकीनन जॉनरा पे बैठेंगे भी। ठीक है जी, तो फिल्म का नाम है कराची। फिल्म का नाम बताएं। फिल्म है कराची जिसका जिसमें सस्पेंस है। यार कराची क्या नाम हो, ये तो आप क्रिएटिव बात करें ना। क्यों इसमें नॉन क्रिएटिव क्या है? एक आखिरी जवाब मुझे बता दीजिए आपके, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आप जो कैरेक्टर दुनिया में करना चाहें वो आप कर सकती हैं, कौन सा कैरेक्टर होगा? तो फिर तो वो कैरेक्टर लिखा जाना चाहिए ना। लिखा जाएगा ना, आप बताएं क्या होगा कैरेक्टर, किस चीज पे लिखा जाए क्या? मैं कैरेक्टर से ज्यादा मैं स्टोरी लाइन पूरी ओवरऑल देखूंगी और मैं चाहूंगी कि सस्पेंस एंड थ्रिलर। बोलना तो सस्पेंस एंड थ्रिलर, अब जो आखिरी आ रहे हैं सब साइलेंट है। थ्रिलर तीन है और तीनों साइलेंट है। सस्पेंस थ्रिलर ट्रू क्राइम इन जॉनर्स पे काम हो तो इंसान। आप कैरेक्टर कोई ऐसा नहीं है जो करना चाहेंगे? स्पेसिफिक कैरेक्टर, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, पूरा स्टोरी लाइन पे। और कोई ऐसा कैरेक्टर जो अगर आपको 305,055 करोड़ रुपया भी दे दो तो आप नहीं करेंगे? हाँ हर दूसरा कैरेक्टर ऐसा होता है जो नहीं करना चाहती। क्या करें, घर पे बैठ जाएं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो वक्त है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। कुछ यूं आपसे एक सवाल होगा, दो जवाब होंगे, आपने उसी में से एक जवाब देना है, तीसरा जवाब आप हमें नहीं दे सकती जब तक हम आपसे ना मांगे, आपने हमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी। ओके ओके क्या हुआ? वैसे ये क्या बात हुई, मैं यहाँ पे अकेली हूँ और आप लोग दो दो खड़े हो। जाओ जाओ। नहीं 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 सही है। ठीक है सही है, पक्की बात है। हाँ। अकेले सही है, अच्छा लग रहा है। आई थिंक ओके ठीक है। अच्छा आपकी अगर आप गलत जवाब देंगी तो चौथे गलत जवाब पे ऊपर से एक चीज गिरेगी, उसको प्लीज आप देखते रहेगा। उसमें से झूठ है। चले आप दे चौथा गलत जवाब, ख्याल कीजिएगा। चले जी, एक्टिंग या मॉडलिंग? एक्टिंग। फिल्म या फिर टीवी? टीवी। फोन कॉल या टेक्स्ट? फोन कॉल। यूट्यूब या नेटफ्लिक्स? Netflix and YouTube दोनों। नहीं एक यार। नहीं। यार। नहीं। Netflix। ओके Facebook या फिर Insta? Insta। Dunk या फिर तेरा गम और हम? Dunk। Dunk। ओके Dunk। Winters या summers? Winters। मैं भी शायद या माहिरा खान? माहिरा खान। माहिरा खान यार जो आ रहा है ना सब मायरा खान बोल रहे हैं, सब मायरा खान को वोट दे रहे हैं। क्या वजह है इस बात की? महविश भी मुझे बहुत पसंद है, मायरा भी बहुत पसंद है। लेकिन आपने तो महविश शायद नहीं बोला। मैंने मायरा खान इसलिए बोला क्योंकि मायरा मुझे बहुत पसंद है। महविश नहीं पसंद मुझे, पसंद है। कोई मसला नहीं। अमीर दोस्त या सच्चे दोस्त? सच्चे दोस्त। ठीक है, डॉग्स या कैट्स? दोनों। दोनों अच्छा, दोनों नहीं यार मुझे जानवर पसंद है ना। अच्छा इसलिए तो, हम दोनों अच्छे लगते हैं। बता मैंने आपको भी जोड़ लिया अपने साथ बॉस। अच्छा डॉग्स या कैट्स? कैट्स। कैट्स सॉरी यार, आई फील सॉरी फॉर यू। कैट ये। ओके देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी खाना। उधार देकर भूल जाती हैं वापस मांगती हैं?
दे के भूल जाती हूँ। कितना कोई उधार दिया आपने आज तक? काफी दिया। कितना? जैसे कि मैं तो मेरी तो जिंदगी उधार पे चल रही है, हर दूसरे दिन उधार उधार उधार। अप्रोक्सीमेटली कितना? मिनिमम अप्रोक्स एग्जैक्टली। अच्छा नहीं लगता ये बोलना। अच्छा नहीं लगता? हमें लगता है, आप बताएं ना। बताएं ना प्लीज, आप बोले ना, आप बता दें फिर। लाखों में दिया होगा? लाखों में दिया होगा? लाखों में? यार आप लोग मतलब सोचे लाखों में उधार लिया आपने? यार सोचो लाखों में लिया हुआ नहीं, दिया हुआ है। नहीं मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या आप लोगों ने इनसे लाखों में उधार लिया और पैसे वापस नहीं कर रहे? और आपको पता है कुछ लोगों ने तो झूठ बोल बोल के भी लिए हैं। जैसे कि यार आप लोग झूठ बोल बोल के पैसे ले रहे? मजे की बात, किस्सा सुने। मजे की बात क्या है? किस्सा सुने। सुनाइए। एक मौसूफ मेरे घर के बाहर। कौन? एक मौसूफ मेरे घर के बाहर, प्रोडक्शन टीम। मौसूफ मिस्टर? ओके। हाँ प्रोडक्शन टीम, ठीक है। प्रोजेक्ट हेड हैं जी। हाँ। और मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि जी बच्चे के दिल का ऑपरेशन है, ये वो फलाना। हाँ। हो गया, धमाका हो गया। हाँ। दो उधार दे दें, इतना इतना चाहिए, कल सर्जरी है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो घर के बाहर खड़ा हूँ। अच्छा घर के बाहर खड़े होके कॉल आ रही है? अच्छा उसने ये नहीं कहा पलट के देखे पीछे खड़ा हूँ आपके? नहीं तो जाहिर है इंसान हमदर्दी में वो करते। बाद में पता चला वो वहाँ से प्रोडक्शन हाउस से काम छोड़ के मनाने अपने नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के पहुंचे हुए। ये वो पता है क्या गलत आपने सुना होगा, उसने फोन पे कहा होगा मुझे पैसे चाहिए, मुझे बच्चे का दिल बनाना है। बच्चे का दिल बनाना है मुझे, बच्चे का। तो जब वो हनीमून से वापस आया उसका बेटा हुआ एक, तो सही कह रहा था वो। सही है ये, मतलब लोगों के हनीमून स्पॉन्सर कर रही हैं आप। वाह वाह क्या बात है। आप ठीक है, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है। कैजुअल शूट किया, मैंने भी यही सोचा अल्लाह अल्लाह देखेगा आपको। बेशक जितने भी लोगों ने इनसे उधार लिया, मैं आपको बताऊं आप इनके हालात देख लें, ये हमारे शो पे आ गई हैं। प्लीज पैसे वापस करें ताकि ये सही जगह पे प्लीज शुरू करें। अच्छा जी कैजुअल शूट या फिर ब्राइडल शूट? सॉरी नहीं सॉरी, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। कैजुअल शूट या ब्राइडल शूट? कैजुअल शूट। ठीक है, बाइक या बाइसिकल? बाइक, हार्ले। बदर महमूद या फिर असद जबल? यार कैसे लोग आपका, यार तुम कैसे हो भाई? मैंने क्या किया? बोलो ठीक हूँ, कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक ठाक। बताएं जी बदर में नहीं, नहीं, दोनों, नहीं, दोनों का सवाल ही एक ऑप्शन एक कह दे रहा हूँ, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एनीथिंग, कुछ भी होता है एज अ ह्यूमन। अच्छा बदर महमूद, उनके साथ मैंने तीन प्रोजेक्ट्स। हम पूछ ही नहीं रहे क्यों? डोंट गिव अस एक्सप्लेनेशन प्लीज, वी आर नॉट जजेस। हां वी आर नॉट जजेस। और इसके जवाब के बाद भी ऐसा मायरा की दफा तो आपने पूछा था, क्योंकि मायरा आदि भाई की कजन है ना बेसिकली। आपको नहीं पता ये बात? लो आपको ये बात नहीं पता? मेरी मजे की बात देखे, माहिरा को भी नहीं पता। तो फिर तो सही आपके पर्ची कहते हैं। असल में मेरी फूफो जो है, हाँ, उनकी जो बेटी है, हाँ हाँ, वो बहुत प्यारी है, कभी मिले तो तस्वीर खिंचा लेगा उसके साथ आप इंशाल्लाह। अभी पूछे ना सवाल। ये बताइए शलवार कमीज या पेंट बू शर्ट? डिपेंड करते हो ओकेजन पे। ओकेजन पे भाई फर्ज करें घर से आप निकल रही हैं। हाँ। एवी जींस टी शर्ट। जींस टी शर्ट घर से निकलती हैं, तैयार होकर निकलती हैं, जिस उलियम होती हैं उसी में, जिस उलियम में होती हैं उसी में। बच्चे और अब तो मास्क ने जिंदगी आसान कर दी। यस मास्क काफी हद तक मास्क और लोग पहचानते नहीं है। हाँ। ये बताए की पहचान तो लेते ही है, लेकिन दिल को तसल्ली होती है। दिल को तसल्ली होती है, दिल को तसल्ली होती है। आप एक काम करें, सोडे के अंदर ना नींबू डाल के पिया करें, उससे दिल को तसल्ली होती है। क्या आपने मुझे हाजमे की तरकीब बताई है ना? ये बताइए अल्लाह बच्चे आपको अच्छे लगते हैं, बच्चे अच्छे नहीं लगते? कोई खास ओपिनियन नहीं है मेरा इस बारे में। नहीं भाई या तो बच्चे अच्छे लगते हैं, हम दो बच्चे, हम दो बच्चे। अब आप आई हुई रेस्टोरेंट, ठीक है, अब आता हम अच्छे लग रहे कि नहीं? आंटी आंटी बहुत जहर लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये बताइए इतनी दाढ़ी वाले बच्चों में तो बुरे लगेंगे। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आप खान साहब ही हैं? मैं लव मैरिज। पैसेंजर या ड्राइवर? पैसेंजर या ड्राइवर। हाँ, क्या प्रेफरेंस है आपकी कि आप गाड़ी चलाना पसंद करेंगे या पैसेंजर बन के बैठना पसंद? पैसेंजर। ठीक है जी, बताएं बिलाल अब्बास या फहद शेख? फहद शेख। ये बताइए दूध वाली चाय? रुक जाओ, आपने कहा फहद शेख, दूसरा कौन था? जब कास्टिंग हो रही थी तो आपने बिलाल अब्बास को कास्ट कर लिया। ये देख रहे हो फहद, तुम कास्ट इन्होंने बिलाल को करवाया है, पसंद तुम ज्यादा हो फहद, और दूसरा कैरेक्टर भी था वो मुझे दे दिया इन्होंने। आशिक तुम तो इसलिए पसंद हो ना क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, देखो कास्ट बहुत कोई और हो रहा है, कास्ट कोई और हो रहा है दोस्त, मैं भी कास्ट हो गया। हाँ। तुम ना हो पाए। आई होप फहद भी हो गया, फहद को लिंक निकाल के भेजूंगा। फहद शेख, आई एम आल्सो कास्टेड, ही आल्सो पार्ट ऑफ कास्ट, आई पास्ट अवे आल्सो बिकॉज़ इट्स थ्रिलर, लेकिन आप नहीं हो उसमें। अच्छा ये बताइए
दूध पत्ती या टी बैग वाली चाय? टी बैग वाली चाय, मुझे दूध पत्ती बहुत जहर लगती है। जहर क्यों लगती है? चाय है वो तो। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा वो। अच्छा ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं। दूध हो जाता। सना जावेद या किंजा हाशमी? किंजा हाशमी। क्यों सना जावेद क्यों नहीं? किंजा हाशमी। ये था सही जवाब, बिल्कुल। शूट पे अपने बालों में घूमना या एक्सटेंशन लगा के घूमना? मैंने आज तक एक्सटेंशन नहीं लगाया। क्यों? आपके पास बिजली नहीं आती? ब्योड़े मेरे पास एक्सटेंशन नहीं। शाबाश आदी, वेरी नाइस। मैं ऑडियंस को बता ही दूं कि मैं पागल ही हूं। ठीक है, बर्गर या बन कबाब? क्या बर्गर या बन कबाब? बर्गर या बन कबाब? यार बर्गर बहुत खाती हूं वैसे मैं। बर्गर पसंद है आपको? हाँ। किस तरह का? किस तरह का बताइए, जैसे उस्मान खालिद बट? जैसे आजकल मुझे जिंगर बर्गर का बड़ा वो। जिंगर बर्गर अचानक से, एक अचानक से फिर से जिंगर बर्गर खाने का बड़ा। अचानक से कैसे होता है ये? ऐसे कि बचपन में जब जिंगर आया तब आपको बहुत शौक था खाने का, लेकिन वही शौक आजकल दोबारा हुआ है मुझे। तो आप चिकन पसंद करती हैं बीफ? दोनों 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 नहीं हो सकता, लेकिन चिकन ज्यादा। चिकन? अच्छा, चिकन में लेग पीस खाती हैं या चेस्ट पीस? लेग पीस। ठीक है, जिम या फिर घर पे वर्कआउट? अब तो घर में वर्कआउट जब से पेंडेमिक हुए। वीडियो गेम या फिर बोर्ड गेम? बोर्ड गेम भाई। वीडियो गेम या जो बोर्ड गेम? वीडियो गेम्स या बोर्ड गेम्स? मैंने वीडियो गेम काफी अरसे से नहीं खेली, बोर्ड गेम। बोर्ड गेम। बोर्ड गेम कौन सा खेलती हैं? मोनोपोली। मजे की बात है, हम नहीं खेलते मोनोपोली। अच्छा, मोनोपोली का बड़ा मसला है। पैसे या पैशन? पैसे और पैशन। घर में पेट रखना या घर में कोई? एक सेकंड, ये दोनों चीजें नहीं। क्या बोला कह रहे? पैसे कह रहे हैं, पैसे और पैशन। नहीं, एक चीज बताएं, पैसे या पैशन? पैसे। सही है, सही है। कोई बात नहीं। इंजेक्शन या फिर टैबलेट? इंजेक्शन। शादी किससे होनी चाहिए आप? लड़के से। किससे? हम भी लड़के से कर ले। अपनी बात करो भाई। अपनी बात कर रही हूँ। वो कह रही मैं अपनी अपनी बात कर रही हूँ। मैंने कहा तुम अपनी बात करो। सवाल पूरा नहीं हुआ था। हाँ, सवाल है। सवाल बताओ, शादी किस आपके आपको अगर सोचे तो किससे करेंगे आप? आर्टिस्ट से या बिजनेसमैन इंजीनियर टाइप? मेल को एक्टर्स या फीमेल को एक्टर्स? इसमें भी तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसमें तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन तो बहुत अजीब सा हो जाएगा इसमें। या तो मेल को एक्टर्स या फीमेल को एक्टर्स? मेल को एक्टर्स। हाँ, इसमें तीसरा ऑप्शन में कैसे दूं आपको? बहुत अजीब हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग या बाजार में जाके शॉपिंग? हाँ, ऑनलाइन तो कोई मजाक ही होता है आपके साथ, बाजार में जाके शॉपिंग। अच्छा, दाल चावल खाती हैं आप? हाँ, क्यों नहीं, सेट पे यही तो आता है रोज। ओके, दाल चावल हाथ से खाती है या चम्मच से खाती है? चम्मच से। चम्मच से खाती। ठीक है, ननियाल या ददियाल? ननियाल, डेफिनेटली ननियाल। क्यों? ददियाल ने ददियाल में क्या मसला? ददियाल से ज्यादा भाप दिया आपका यार। मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं ददियाल में। ओह हाँ, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। oh, वो वाले रिश्तेदार। अब तो ननियाल भी नहीं रहा यहाँ पे, तो फादर साइड इज फॉरनर्स। फॉरनर्स। अच्छा जी, आपसे दो दो आखिरी सवाल करेंगे, दो जरा गंभीर से भरपूर सवाल आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं? बताएं, मैं आपसे एक सवाल करूं? अल्लाह खैर करे, चलें कर लें। नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, दो सीरियस सवाल आते हैं बिल्कुल। एक मैं पूछूंगा, एक आदि पूछेंगे। म्यूजिक क्यों चेंज हो गया मेरा? होता क्या, हम ये सवाल जब मजाक में कर लेते हैं तो फिर हमें डांट पड़ती है कि जब एक सीरियस सवाल करना है तो मजाक ना करें। तो वी मेक श्योर, और हम अभी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। आदि भाई प्लीज। अच्छा, ये एक सवाल मैं करूंगा, फैजान करेगा। सवाल पूछने का मकसद ये है कि जो आम लोग हैं उनको आर्टिस्ट के दिमाग का नहीं पता होता। हाँ। उनकी फैमिली वैल्यूज का नहीं पता होता, तो हम ये सवाल इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि जो आर्टिस्ट है वो क्या सोचता है। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसलिए वी मेक श्योर कि हम सवाल का एक एक वर्ड रिव्यू कर लें पहले, और आप भी जवाब इसी तरह ही दीगा, क्योंकि डिजिटल पे लगेगा फिर फजूल में वायरल हो जाएगा कि देखे इतने सेंसिटिव टॉपिक को हंसी मजाक में जवाब दे दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जितना आपका एक्सपोजर है, आपने काम किया है और आपका फैमिली बैकग्राउंड जैसा भी है, ये बताइए आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? ये लास्टिक वाली शलवार या नाड़े वाली शलवार? लास्टिक वाली शलवार बोला है। अच्छा, इजी कम इजी गो। Easy come and sometimes somebody else and you go. No, that is not good. They only happen in school with you. Childhood, na? Childhood you. It's okay. Childhood you.
चाइल्डहुड यू नॉट विद मी। अच्छा जी आखिरी सवाल सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आदि या फैजान? हाँ, और इसमें कोई लॉजिक और क्या नहीं देनी होती, वो अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। क्या हुआ? ओ भाई क्या रुक जाए, क्या बोला आपने? मैंने कहा फैजान। अरे बचाओ, कैसा क्या कुछ बोलो ना, तो सोच रहा तुमने धक्का दिया। एक आदमी फैजान देखिए, हम लोग कभी भी साथ में काम भी कर सकते हैं। हाँ समझा कर करें आप लोग काम, अगर उस सेट पे कोई आग लगा के चला गया ना तो मैं होगा वो। वो मुझे पता है, इसीलिए आपका नाम नहीं लिया। कैसा छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। कोई मसला नहीं, काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा। कैसे हैं आप काशिफ भाई? हाँ फैजान, हाँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों? बल्कि छोड़ो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई? मेरे पास गाड़ी नहीं है ना। काशिफ भाई हमारे पास मौजूद हैं। ये काशिफ भाई, ये गुलदस्ता नहीं है। हाँ अगर आपने कोई गाना सुनना हो तो अपना मोबाइल उठाए, डाउनलोड करके सुन ले, इनको गाना गाना नहीं आता। नहीं आप इधर आ गए काशिफ भाई, गाना सुना एक मिनट। इससे पहले काशिफ रुक जाए भाई, ठट 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 जब बजाना है तो सो रहा। अरे इसको बोलते रहने दो यार, सुन ही नहीं रहे मेरी, इसको बोलने दो यार। अरे इसको बोलने दो यार। नहीं नहीं मैं बहुत, अरे बोलने दो यार, सीरियस बात करने लगा हूं मैं। अरे बोलने दो। अरे नहीं नहीं मैं, अरे छोड़ो, मैं कहना सुनो यार, ये कहना चाहता हूँ कि जब से काशिफ भाई हमारे शो में आए और जब से हमारा बैंड और काशिफ भाई साथ हो गए, काशिफ भाई ने हर शो में जबरदस्त से जबरदस्त गाना गाया, जिसकी वजह से कमेंट बॉक्स में हमारा बैंड और काशिफ भाई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट होते हैं। तो हम सब एक बार इनके लिए तालियां बजाते हैं। और इसी मैं भी ऐड करूंगा, और इसी वजह से ये आप लोगों का आखिरी शो है। सख गोल मनावड़े, सख यार मनावड़े, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो खतरा चावड़े, ए हो खतरा चावड़े, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, असा नच के दिखावड़े, असा यार मनावड़े, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, बोल जे बोल नवी दे सोने तेरा चांदा की तू है, जिंदड़ी ना वे कर दी है ढोला फिर भी ना जीवे, दिल ते ले के जान तलक वे जो भी नचावड़े, हसा यार मनावड़े, पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे, ऐ हो खतरा चा लग जावे, हो बावे सिर
आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है द बार्टेंडर आदि आदि अमजद, उनके साथ मौजूद है अजी का डैनियल, और हम खेलने लगे नेवर हैव आई एवर। मजेदार 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 मजेदार, ये बार्टेंडर ने किया क्या पहले तो ये बताएं। अच्छा, ये बार्टेंडर ने अपनी अपनी ड्रिंक्स बनाई है, आधी बॉटल मेरे पे गिराई है। मैं चाहता जरा मेहमान फ्रेश हो जाए। तो तूने छिड़क दिया उन पे। पहले छिड़क दिया, कोई मसला नहीं जी, हम आपके साथ खेलेंगे नेवर हैव आई एवर। अच्छा मैं आपको बताती जाऊं, इस पे तो मुझे पता होगा ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। जी लेकिन इसमें बात सारी है कि अगर जब भी आपको हाँ बोलना होगा, हाँ, कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो आपने शॉट पीना होगा। हाँ पे मैंने पीना है जी। चलें ये भी कैसा फिर। चलें ठीक है, आज मैं रेडी हूँ। रेडी, और मैं आपको बताते हैं इसके तीन लेवल है। ओह ठीक है, तीन लेवल कौन कौन से आप बताएं। एक तो मेरे पे गिर चुके हैं आधा, बाकी आप बता दें। मैं आपको बता दूं इसके तीन लेवल है, 1 2 3 बस सिंपल। पर तीन लेवल है तो ऐसे ही होगा ना। ठीक है अच्छा ओके, नेवर हैव आई एवर गॉट अ टैटू। सॉरी किससे पीना था? नहीं सॉरी की क्या बात है, नहीं नहीं पीना किससे था? हां पे पीना था ना। हां लाओ भाई लाओ। चले भाई, आर यू रेडी मैडम? सबसे पहले आपको ये पिलाएंगे। कम कम यार, कम कम कम, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कम यार, कम यार। अच्छा सूंघने से कुछ नहीं होगा क्योंकि खुशबू किसी चीज की है, हलक में जाके अब लगेगा आपके। नाइस, मेरे ख्याल से आप ये गेम खेलती रहती शायद। क्या पता क्या पता। अच्छा जी, नेवर हैव आई एवर स्टूड अप समवन अप ऑन अ डेट। क्रेजी गर्ल इन द हाउस। जब तक आप ये बनाएं, किसके साथ ये जुल्म किया आपने और क्यों, ऐसा क्यों किया, मैं यही जानना चाहता हूँ। लेजी हूँ। आप लेजी हैं तो डेट हाँ। के लिए अग्री क्यों किया था आपने? आपको लगा कि हो सकता है, लेकिन आपने कहा कौन उठे यार, यार तो बहुत हाँ, ज़्यादा ये तो संडे निकला। संडे बेचारा यार, मैं माजा चाहता हूँ आपसे, आइंदा वीकडे देख के करिएगा। हाँ चले, ये तो बहुत ज्यादा ज्यादा। अरे कोई नहीं कोई नहीं, एक घूंट में, कम ऑन, यस यू कैन डू इट, यू आर दुबई वीजा 5 ईयर। तू तू एकदम से अपना फील हुआ, हमें लोग देख के ही कहते हां कैसा लेवल अप हो रहा है अभी। लेवल अप, नेवर हैव आई एवर लाइड टू गेट आउट ऑफ अ शूट। नेवर, वेरी गुड, लुक्स लाइक इट। ठीक है, नेवर हैव आई एवर गिवन अ फेक नेम। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेवर हैव आई एवर स्टॉक्ड एन एक्स ऑन सोशल मीडिया। ये तो झूठ हो गया ना, सब करते हैं। हाँ सब करते हैं। काम बस बस बस, क्या मैं बता सकती हूँ कि ये है क्या? नहीं, आखिर में हम आपसे पूछेंगे, ये भी एक राउंड का हिस्सा है। मेरी आवाज क्यों इतनी बनाती है, अजीब सा लग रहा है। चले, पानी बिल्ली लग रही है, पानी की बिल्ली। कम ऑन, 1 2 3 एंड या वापस। सॉरी मैंने आपका नाम नहीं लिया था, सॉरी। अक्सर ये जो भरा हुआ है इसी वजह से भरा हुआ है कि हमारे गेस्ट वापस कर जाते हैं हमें। नेवर हैव आई एवर शॉपलिफ्टेड। नहीं नहीं, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन अ टेस्ट और एग्जाम। अरे यार, न्यू लेवल ऑफ फडे, एन ऑनेस्ट गेस्ट, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है वैसे तो। कौन सा टेस्ट था, कुछ याद है? MCQs करवा रही थी अपनी दोस्त को, इस तरह से इशारे करके। पहले वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी या डी, न्यू इशारों में ना। और पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई? नहीं, हम लोग इतना स्मार्टली चीट स्मार्टली चीट कर रहे थे, तो पास हुई या दोस्त भी साथ फेल हो गए आप? नहीं नहीं, बहुत अच्छे, दोनों पास हो गए, बहुत अच्छे पास हैं भाई। वैसे कैसी कैसी स्टूडेंट थी आप? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। फिर क्या हुआ स्कूल में? फिर बस लाइफ हैपेंड। लाइफ हैपेंड। हां जी, आपके लिए चीटिंग करने पे कि वो झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं कर रही। अच्छी बात, वेरी नाइस मैडम। यू विल पे बाय यार, ये क्या बात है, ये दो दो चीजें। यू विल पे बाय, पहले भी आपने वो ही पिया, कॉकटेल पिया था ये मिक्स चा। यार मैं कहता हूँ, मैं जब मोरक्को में था तो वहां से सीखा इसने। प्लीज पे बाय कैश। मैं कभी मोरक्को नहीं जाने वाली। हम आ जाएंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ तुम्हारी वजह से, इस टैलेंट की वजह से। बहुत, आप टैलेंट अभी आपने देखा नहीं है। कैसा, आर यू फीलिंग वेरी गुड? लाइफ इज, यस आई एम। ओके, नेवर हैव आई एवर लाइड अबाउट माय रिलेशनशिप स्टेटस।
अच्छा? अरे यार ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मतलब था। आप सिंगली नहीं होती और आप बोलती थी मैं सिंगली हूँ। सिंगली ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है बाकी यार ये तो करती है ऐसे सबसे ज्यादा दिल तो उसका टूटेगा अभी क्यों ऐसे क्यों करती है ऐसे देखा दिल टूट गया लेकिन ये अगर हो सकता है रीसेंट बात ना हो कभी भी ये तो आप थ्रू आउट द लाइफ टाइम पूछ रहे हैं ना कभी भी तो अभी आप सिंगली होती हैं तो बता दी आप सिंगली हैं हां नहीं 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 आंखों में तेरी ये तो सवाल ही नहीं था जवाब भी नहीं आएगा Very nice. बहुत smart खेल रही हैं आप बहुत अच्छे अच्छा कम है मैडम यू थिंक इज लेस नहीं आई वाज जस्ट थिंकिंग है कौन सा वाला ये अच्छा जी नेवर हैव आई एवर लुक्ड थ्रू माय पार्टनर्स फोन नहीं चलो नहीं, अच्छी बात वेरी नाइस नेवर हैव आई एवर रीगिफ्टेड अ गिफ्ट नहीं नहीं हां वेरी स्वीट नेवर हैव आई एवर गूगल्ड माय ओन नेम देखा होगा ये तो देखा होगा मुझे पता था हो ही नहीं सकता कौन नहीं गूगल करता वेल डन जिसने भी सवाल बनाए शाबाश बेटा वेल डन कौन नहीं करता गूगल सर आप बहुत क्रेजी कर रहे हो वीकेंड भी नहीं है अभी तो इसके बाद मुझे ओ हो अल्लाह पूछेगा यार असल में लेवल अप करना है हम लोग लेवल अप और ड्रिंक्स तीन है लेवल अप है और सिर्फ ड्रिंक्स तीन ही है इसके बाद अब मैं झूठ बोलने लग जाऊं क्या नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना नहीं नहीं आप पकड़ी जाएंगे पकड़ी जाएंगे जब आप झूठ बोलेंगे हां वैसे पता है मेरे साथ ये मसला मैं झूठ बोलती हूं ना मैं पकड़ी जाती हूं जी जी पता है कैसे पता आपको पता है पॉलिटिशियंस भी यही करते हैं झूठ बोलते हैं फिर पकड़े जाते हैं दो अलग अलग बातें वो झूठ अलग बोलते हैं पकड़े अलग जाते हैं जी अच्छा नेवर हैव आई एवर ब्रोकन अप विद समवन ओवर टेक्स्ट जब हम लोग मूवी शूट कर रहे थे ना वो हमारी लोकेशन भी हॉन्टेड थी बाय द वे लेकिन उससे पहले भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए लेकिन ये रीसेंट है क्योंकि मूवी से भी रिलेटेड है पूरी रात हमारी शूट होती थी और सुबह हम लोग सोते थे अब रोज़ ये होता था कि सर्दी थी अयोध्या में शूट हो रही थी कंबल लिए अब यूँ लगे कि ना आपके पाँव पे और टांग पे किसी ने यूँ हाथ लगाया पहले मुझे लगा कि ना कोई छछुंदर या चूहा इस टाइप की चीज़ है एक दो दफ़ा मैंने उठ के झाड़ा भी अपना ब्लैंकेट लेकिन जब ये डेली बेसिस पे होने लगा तो मैंने कहा नहीं ये तो कुछ तो है कुछ तो हुआ है Oh, nice. और फिर वहाँ पे और भी लोगों के एक्सपीरियंसेस कभी ऐसा हुआ कि एक बंदा गुजरा हो और फिर वापस वही बंदा गुजरा हो हाँ 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 ये भी हुआ ये तो हमारी फिल्म का सीन था कहीं हुआ था लेकिन ये तो फिल्म में हुआ था ये तो फिल्म का सीन ठीक है never have I ever used the celebrity card to get out of a situation Never? No. Okay. ये पहले वाला पी लो पी लें ये आपका लालची हो गई है आपका ना स्केल बेटर होता जा रहा है never have I ever had a wardrobe malfunction ये तो हुआ होगा no नहीं चलने कभी नहीं फटा फूटा Okay, never have I ever said yes to a role I didn't like. Oh! We are so happy. यार बहुत ज्यादा ज्यादा प्यार वाली नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा मना रहा मैं हेट्स मी मैंने अब गलत नाम लिया था हां तुमने नाम नहीं लिया ना बस ये वजह है लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं था वरना मैं कहती बोथ ओके इट्स ऑल राइट अगर आप अभी मर गए तो जन्नत में जाएगी सीधा ओके never have I ever broken a bone or gotten stitches तो बाइक से गिरी थी बाइक से गिरी किसकी बाइक से चला रही थी या बैठी हुई थी साथ चला रही थी कॉलेज टाइम्स में कोने टूटे थे अरे बाप बाइक टूट गई थी तो अब सही है वही जहाँ पे नहीं सीडीओ पे आप लोग चलाते हैं बाइक से अपने तो बाइक चलानी आती है आपको अब उसके बाद ज्यादा कोशिश नहीं की हिम्मत नहीं हुई दोबारा बट इंशाल्लाह आपके ग्रुप में मैं आऊंगी डन डन व्हेनेवर यू वांट ओके ठीक है नेवर हैव आई ट्राइड टू मेक एन एक्स जेलस नहीं ये इतना नहीं। काम नहीं कर सकती इतना टाइम नहीं है पहले बता दूं मैं बहुत लेजी हूं छोड़ो ओके नेवर हैव आई एवर पर्पसली गिवन समवन बैड एडवाइस आई डोंट थिंक नहीं इतनी बुरी नहीं है आप ओके नेवर हैव आई एवर ब्रोकन समवन एल्सस हार्ट ये क्या होगा आपने खूबसूरत है क्योंकि आप कुत्ते बनाने लग गए पता था तुम्हें मैं बता रहा हूँ कैसे मुझे लगता है इनका भी अभी दिल टूटे अरे इनका तो रोज ही उधर उस काउंटर पे खड़े हो मेरा दिल जितना तस्वीरें आप देखेंगे ना उसमें आधा मेरा दिल ही टूटा हुआ कैसे किसका मतलब क्यों ऐसा तो नहीं लगती आप हमें आप वो टूट जाते हैं ना दिल आप ना भी तोड़ना चाहो तो किसी ने आपको प्यार दिया और आपने कहा वो प्यार चाहिए नहीं ओ पकड़ लेता हूँ मैं अब शकल से पकड़ लेता हूँ यार ये बड़ी बात है अब आप नहीं ना आप लोगों के दिल टूट जाए तो आप क्या कर सकते ना तोड़े
क्या मतलब है, तो क्या ना मतलब कैसे ना तोड़े? हाँ, हर किसी के दिल जोड़ते नहीं क्या? नाम की भी चीज होती है। हाँ। देखिए दिल तोड़ना कुछ और होता है और दिल तोड़ना कुछ और होता है। कौन से वाले तोड़ने की बात कर रहे हैं? दिल तोड़ना कुछ और होता है, दिल तोड़ना कुछ और होता है। क्या छोड़े, हम इस बात में ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, नेवर हैव आई एवर फॉलन इन लव। बनाओ भाई, बनाओ। जब दिल तोड़ा कितनी दफा? खुद भी तो नहीं, सुनो तो कोई कितनी दफा? जब दिल टूटा है तो तोड़ा इसलिए तो है। ओहो, बिल्कुल समझ में नहीं आई यार। मुझे तो लगता है आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, उससे बात हो रहा है तकरीबन बार बार उन्होंने ये कहने लगी थी, है ना? बार बार हो जाता है। कितनी बार गुड मॉर्निंग किया अभी? रीसेंट कब हुआ बताएं? ये रास्ते में तो कहीं नहीं है, तारिक रोड पे। रीसेंट बताए, रीसेंट कितने अर्से पहले हुआ आपको? अरे मुझे बोलने तो दो। मैं आई एम मोर, आई एम मोर। हाँ जी, रीसेंट को तो काफी टाइम हो गया। कितना मतलब कितना कोई टाइम? आखिर बार कब प्यार हुआ था आपको? सच आखिरी बार छोड़ें, कितनी बार प्यार हुआ? चले कितनी बार बता दें, कितनी बार कर ले वरना आखिरी वाले को दुख होगा। कितनी कोई बार? एक दो दफा तो हुआ है। ये कोई बहुत ज्यादा, एक दो दफा तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। सच्ची मोहब्बत होती है ना? हाँ, हाँ, सच्ची मतलब जाहिर सी बात है, सच्ची का। आपको क्या लगता है, आपको जो मोहब्बत होगी वो सच्ची होगी? नहीं, अब नहीं होगी। अब नहीं होगी? तो लव मैरिज कैसे करेंगे? आपने कहा बड़े हो गए अब। हाँ, वो सही सवाल किया लड़के ने, पुराना जवाब निकाला है। आपने कहा था लव मैरिज करूंगा, कैसे करेंगे? वो वाला सेगमेंट खत्म हो चुका है। इसीलिए तुम्हारा नाम नहीं लिया था। हाँ, इसीलिए मैं पकड़ लेता हूं। ओके, नेवर हैव आई एवर लाइड ड्यूरिंग दिस गेम। नहीं नहीं, नेवर। इतनी बुरी नहीं है भाई, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो खेला गया है ना, मेरे ख्याल से वो इन्होंने खेला है। बहुत अच्छा खेली आप, गेम वेल डन। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि आदि लमजत, उनके साथ मौजूद है अजी का डैनियल। अब हम खेलने लगे एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार। ओके, आपकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, आपने बताना है कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या हो रहा था। लाइए जी पहली तस्वीर। अरे वाह, घुटने में दर्द? हाँ, शदीद दर्द। घुटने में तो दर्द होएगा, क्या है ये बताए ना? ये बाकी में घुटने में दर्द हो रहा है। आउच तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना तैयार हो गया तो आउच कोई नहीं करता। कर लेते हैं, फोटोशूट हो रही थी। हाँ, फोटोशूट है गालिबन। ओके, कब की है, कुछ याद है आपको? ये है तकरीबन कोई 2 साल पहले की। 2 साल पहले की? ऑलराइट। ये बेसिकली शूज एंड उसका शूट है, बैग्स का। शूज एंड बैग्स का, यस। ओके जी, आगे चलिए। ओके, ये कब की, कहाँ की, कैसे की तस्वीर है? ये बहुत पुरानी तस्वीर है। ये पुरानी तस्वीर है और ये आकिफ इलियास ने का शूट, उन्होंने किया था मेरा पर्सनालिटी शूट। अच्छा। हाँ, इसको हो गए होंगे कोई 3-4 साल। 3-4 साल? तो आप अभी भी वैसी हैं आप? हाँ, शुक्र है। आप ऐसी हैं हमेशा? शुक्र है। मतलब कितने कोई सालों से ऐसी हैं आप? आई होप अगले 10 साल तक ऐसी रहूं। अच्छा, मुझे होता है आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, अच्छी तो हैं, तो आप ऐसे अपना कोई ख्याल रखती हैं? आप ऐसी हैं? मैं वर्कआउट करती हूं। अच्छा, करती हैं आप, ख्याल रखती हैं अपना? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं यार हम कुछ भी नहीं करते, हम तो ऐसी हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ करती हूं। जैसे कि वर्कआउट? वर्कआउट बहुत करती हूं। और डाइट का ख्याल रखती हूं। रोजाना? रोजाना, यस। कितनी देर? पता है, डिपेंड करता है, कभी कभी मैं 45 मिनट्स भी करती हूँ, कभी कभी मैं 2-2, 2.5-2.5 घंटे भी कर रही हूँ। 2.5 घंटे का वर्कआउट? यस। ये वहाँ बैठ के निहारी बना दी ऐसा होता है। 2.5 घंटे अगर फ्री डे है, करने को कुछ नहीं है, वाई नॉट। फ्राइडे बीच में मैं सेट्स के बीच में ब्रेक लेके, मैं फ्राइडे है तो फिर नहीं करेंगे। आप फ्री डे है तो ऐसा, मैं तो शायद फ्राइडे पे कुछ और होता। फ्री डे जिस दिन आप शूट नहीं कर रहे होते वो। ओके, आगे चले। अरे वाह, ये कहाँ देख रही हैं आप? ये मैं अपने घर से बाहर, वो देखे वो साथ में कार्टन भी पड़ा हुआ है ना, शिफ्टिंग की थी उस वक्त। अच्छा, कहाँ है घर? इतनी बड़ी, सर भी पकड़ा हुआ है कि हाय सर में दर्द हो गई। ये मेरे घर की खिड़की है, ये मेरा अपना ड्रॉइंग रूम है। अरे वेरी नाइस, बहुत अच्छी है ये। अच्छा, घर इंसान कितना अच्छा होना चाहिए कि घर में आदमी फोटो शूट कर ले। सही बात है, है ना? वो भी किसी भी वक्त शिफ्टिंग करते हुए, हाय सर में दर्द हुआ, पिक्चर खींचो। हाँ, एक्शन भाई। आप वो खूबसूरत है, उन्होंने खींचा, वो अच्छी लग रही है। हम खिंचवाए ना, ऐसे मजदूर लगे। हम शिफ्टिंग करते हैं, तस्वीर खिंचवाए तो अल्लाह माफ करे, ऐसा लगेगा हम ही शिफ्टिंग करने वाले। आगे चलो। ये कौन है? आपकी बिल्ली गली है। ये मेरी बिल्ली है चेल्सी। और चेल्सी? यस, ये मेरे घर की पिक्चर है। उन मेहमान आ गए, मैं चेल्सी। ये वो नहीं होता बेटा, ये वो होता है जो आपका कैल्शियम कम नहीं होता, डॉक्टर कहता है चेल्सी पिया करो। हैं,
अच्छा वो कैल्सी है, वो कैल्सी होता है। ये फुटबॉल क्लब से इंस्पायर्ड है। जी जी मुझे पता है, इंग्लैंड का क्लब है चेल्सी। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं इतना पता है। फुटबॉल फुटबॉल क्लब है और इसकी अच्छी बात है ये लोग फुटबॉल खेलते हैं सारे। यार ये बड़ी बात है, वाओ मैं पता था। कैसा चलें भी बताएंगे कुछ आपको। अच्छा तो चेल्सी के साथ आपने तस्वीर खिंचवाई है, ये भी आपका घर है? ये भी मेरा घर है। आपके घर में फर्नीचर नहीं है जी? क्या आपके घर में फर्नीचर नहीं है? आप आगे चलो ना। अच्छा आगे चलो, मैं क्या तुम्हें सिखा दूं कुछ यार जी। आगे चले मिनिमलिस्टिक से। सर में दर्द हो रहा है, ये शिफ्टिंग के बाद के हालात हैं। ये किसके बाद है? शिफ्टिंग हो गई, उसके बाद ओहो ये ऐसा लग रहा है आइंदा नहीं करूंगी। ये कौन सा फोटोग्राफर जो हर वक्त रेडी रहता है आपके आसपास? ये सलमान अहमद है। सलमान मेरे साथ फिल्म में भी था, फिल्म करने भी गया था। करके आ गया फिल्म। सलमान अहमद क्या करते हैं? फोटोग्राफर भाई। तो बताया भाई उसकी तस्वीर है तो फोटोग्राफर होंगे। आगे चले, फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओह नाइस, ये भी सलमान अहमद ने पिक्चर लिए। ये सलमान अहमद घर नहीं जा रहे क्या? नहीं ये यूबिया की पिक्चर है, वहीं पे तो मिले थे मुझे वो। मैंने कहा कि रोज यही आया हुआ है, ये इसका काम क्या है भाई? ये यहाँ हम लोग मिले थे। कहाँ? यहाँ पे, ये यूबिया है, फिल्म की शूट है। वो खींच रहे हैं ना? आप खड़ी में कहाँ खींच रहे हैं वो? आपको बिहाइंड द कैमरा तस्वीर खींच रहा है। अच्छा मुझे लगा कि भाई तस्वीर खींची नहीं जाती, तस्वीर ली जाती है। प्लीज क्यों ये गलत है बोलना तस्वीर खींच रहा है? तस्वीर है, कोई बच्चा खींचने का मतलब क्या होता है? इट्स स्ट्रेचिंग, खींचना, पुलिंग। इट्स नॉट पुलिंग अ पिक्चर, टेकिंग अ पिक्चर। तस्वीर ले रहा है। अच्छा तो हम लिटरली उसको ट्रांसलेट करते हैं? नहीं, तस्वीर ली जाती है, तस्वीर खींची जाती है। तो पढ़ा भी कई दफे तस्वीर खींचना। नहीं नहीं तस्वीर ली जाती है। अच्छा आगे चलिए। और नाइस, ये किसकी बॉलीवुड है? किसकी? चलते फिरते किसी को पकड़ा आपने? बताएं बताएं, जानने वाले बताएं 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 बताएं। ये है, ये है हामिद बलोच की। रामेश बलोच कौन है? हामिद बलोच। हामिद बलोच कौन है? ओके भाई कोई है जिनकी बाइक है? क्या टेंशन? नहीं नहीं मैं जानना चाहूँ, फ्रेंड है आपके, कजन है या चलते फिरते कौन है ये? भाई उनकी बाइक है, हमें इतना पता है। ये आपके पास क्या कर रही है भाई? इस बाइक से तो नहीं गिरी थी ना? नहीं नहीं इससे शुक्र है। इससे अगर गिरी जाती साइलेंसर की जगह लगी हुई होती। हाँ इससे गिरने में तो काफी चोट लग सकती है। तो मुझे ये बताए, मैं वाकई में सवाल भूल गया, क्या पूछने लगा था। ये तस्वीर किसने खींची? ये सलमान ने? सलमान ने नहीं खींची। शुक्र भाई घर गया खाना। सलमान तो घर गया कम से कम। चलो ठीक है। लेकिन सलमान गया तो हामिद आ गया, अब क्या करे? रामेश बलोच। रामेश नहीं हामिद बलोच, वो दोनों है। हाँ आगे चलिए। अरे इतना यार ये तभी के पिक्चर है, इतनी उदास। ये आपको शॉपर क्यों बांधा? ये तो लिटरली अभी एक महीने पहले की है। शॉपर नहीं है, जैकेट है। अच्छा मुझे लगा शॉपर में बंधी हुई है। पार्सल लिया था किसी ने मुझे जी? सर्दी लग रही थी और वेट कर रही थी कि बाकी सारे आए तो शूट पे जाए हम लोग टर्की की। लेकिन सलमान से रहा नहीं, पिक्चर ले लो। सलमान ने खींची है, सेल्फी है ये। ये सेल्फी है ऑलमोस्ट, वो ऑक्टोपस के ऊपर लगा। ऑक्टोपस भी आप जानवर इस्तेमाल कर रहे हैं तस्वीर खींचने के लिए? हमारे पास बिल्ली नहीं है घर में, आपने ऑक्टोपस रखा हुआ है। ऑक्टोपस क्यों रखा हुआ है आपने? लेकिन ऑक्टोपस तस्वीर कैसे ले? मैं ब्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ। ब्लॉगिंग भी करती हैं आप? इसमें जानवर का क्या ताल्लुक है? आप गूगल कीजिएगा। गूगल करें आप, एक्टिंग सीखें। क्या गूगल करूं? आप सदफ कमल से भी मिल रही है कुछ कुछ जी जी। अच्छा? इसमें आप पता किससे मिली? आप उनसे मिली है? मैं आपको बताऊं आप कैसी? ठीक है मैं आपको बताऊं इसमें आप किससे मिल रही है? हाँ बताऊं? हाँ मेरे से। नहीं नहीं इसमें आप किससे भी नहीं मिल रही, सेल्फी है। सॉरी मुझे घर जाना है, मुझे अम्मी याद आ रही है। चलो मुझे लग रहा है। अरे ये कौन है? सलमान। ये भी अरे बुशराफा है। बुशराफा कहाँ से आ गई? उल्टे हाथ पे कौन है? बुशराफा थोड़ी है। उल्टे हाथ कौन? अरे मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है? नहीं 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 रुक भाई, जिनकी तस्वीर उनको ये लगा हुआ है। ये कौन है? ये मैं हूँ। अच्छा वो स्क्रीन डिवीजन की वजह से मुझे लगा वो बुशरा आप में। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सही नाम लिया आपने। सही नाम लिया आपने। सच बोला मैं कह भी सकता था, अच्छी तस्वीर। अच्छा आपकी छोटी बहन है? हाँ। इनका नाम क्या है? आइलीन। आइलीन 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 नाइस। ये जादू के साथ आती है क्या? मतलब आइलीन है ना?
वो भाई वो एलियन होता है सॉरी अच्छा यार आइलीन और एलियन कहां से जोड़ दिया तुमने नहीं बहुत क्यूट तस्वीर है आगे चलें अरे वाह ये सलमान बलोच प्रमोशन की पिक्चर है ओके वेरी नाइस आप बहुत डिफरेंट लग रही है इसमें क्यों क्योंकि यही नहीं कोई और है नहीं नहीं ये आप ही हैं आपके बाल नहीं हेयर स्टाइलिंग की हुई है तो छोटे कैसे हो गए हेयर स्टाइलिंग भांदे में होंगे पीछे मैजिक ओके वेल डन ये तस्वीर आपकी मुकम्मल हो गई हाँ. बहुत अच्छा काम किया आपने जबरदस्त कैसे भाव लेकिन आप हमें प्लीज से सलमान से जरूर मिलवाइए हाँ कुछ पीछे नंबर देके जाऊंगी नहीं नंबर नहीं देगा फिर हमारे से चिमट हो जाएगा खाली मिलवा दे एक बार सलाम दो करके हर जगह तस्वीर लेता फिर रखा हमारी और हम ऐसे उलिए में होते हमारे खींच भी नहीं सकता हाँ और हमारे तो घर में फर्नीचर भी है कॉरिडोर तो है भी नहीं मिनिमलिस्ट भी नहीं रहते मिनिमलिस्टिक मिनिमलिस्टिक एक दफा बुलवा दें प्लीज मिनिमलिस्टिक बोलो मिनिमलिस्टिक तुम सही से क्यों नहीं बोलते हो क्योंकि मेरा एक्सेंट है ना यार एक ब्रिटिश ब्रिटिश अच्छा हम आपसे माजत करते हैं क्योंकि हम बहुत थके फजूल बातें नहीं करो नहीं जी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट इट वाज ग्रेट फन हैविंग यू ऑन द शो ये तो बात सही है सो मच फॉर हैविंग मी और हां मुझे भी मजा आया हालांकि मैं हमेशा घबराती थी यार जान और आदि के शो पे जाना घबराती थी क्यों ऑब्वियसली देखें आप मजाक मस्ती अपनी बट वी मेक श्योर वी आगे कर लूं उर्दू में कि हम अपने मेहमान को जाएं वो कंफर्टेबल फील कराएं हां तभी हमने इतना महंगा सोफा रखा है कंफर्टेबल है वेरी गुड बहुत अच्छे आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे अगर आपके पास कोई मैसेज है तो 3 नंबर और 4 नंबर कैमरा आपके लिए लगा है ये तुम क्या नादरा की तरह बोलते हो भाई यार वो पहले ढूंढने लगते हैं ना वो ढूंढने लगते हैं ना ये इस कैमरे में नहीं जो मैसेज आप देना चाहें आदि भाई आपका कोई मैसेज आप अपने फैंस के लिए आई लव माय फैंस एंड थैंक यू अभी कर दे दैट वाज सो रैंडम है कुछ और है नहीं अब सिर्फ रोटियां हैं अब तो कोरमा भी खत्म हो गया होगा खवातीन हजरात उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा मेरे से माजा प्लीज आज के लिए आप लोगों से माजरत ये आज असल में हम एक स्पेल कर रहे हैं और उसके आज आखिरी शो रिकॉर्ड हो रहा है हमें माजरत इनकी बस हो चुकी है इनको अम्मी के पास जाना है अच्छा जी उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा जाने से पहले मैं चाहता हूँ काशी भाई आप हमें कुछ अच्छा सा गाना सुना सकते थे लेकिन वक्त पूरा हो गया मेरे रश के कमल 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 मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमल तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया बर्फ सी गिर गई गए गए बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जवानी से टकरा गई
आग उनकी लड़ी 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 आग उनकी लड़ी यूं मेरी आग से आग उनकी लड़ी यूं मेरी आग से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया